वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आमचूस की आइसक्रीम की रेसिपी, मैंगो बाइट कैंडी से बनने वाली। इसका तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने ली है ये 12 से 15 मैंगो बाइट कैंडी। पहले मैं सभी कैंडीज का रैपर निकालकर अलग कर लेती हूँ। गर्मियों का सीजन है तो आइसक्रीम खाना तो बनता है, और वो भी आम चुस्कीदार आइसक्रीम मिल जाए तो बात ही अलग है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो सभी कैंडीज का मैंने रैपर निकालकर अलग कर लिया है। अब इन्हें मैं डाल लूँगी मिक्सर जार में। और मैंगो बाइट कैंडी मीठी होती ही है, और मीठा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी। हमें इनका एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है। बहुत ही इजली से ये पिस कर भी तैयार हो जाता है, तो इसी तरह का हमें ये पाउडर चाहिए। अब ये 2 ग्लास लिए हैं मैंने, इनमें मैं डालूंगी 1-1 कप पानी। और जो हमने मैंगो वाइट कैंडी का बारीक पाउडर बनाकर तैयार किया है उसको हम बराबर मात्रा में डालेंगे दोनों ग्लासों में। मीठे के लिए मैंने डाला है चीनी, और खट्टे के लिए डालने पड़ेगा हमें नींबू का रस। तो 2-2 चम्मच में दोनों ग्लासों में नींबू का रस डाल लूंगी, तभी तो हमारी आइसक्रीम खट्टी मीठी नमकीन बनेगी। अब हम थोड़ा नमकीन बनाने के लिए इसमें डालेंगे चुटकी भर सॉल्ट। ये मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें फूड कलर, अगर फूड कलर है तो डालें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा इसका मैंगो जैसा कलर आएगा हमारी आइसक्रीम का, तो इसीलिए मैंने चुटकी भर येलो फूड कलर डाला है। सारा सामान मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। गर्मियों का सीजन है तो आइसक्रीम खाना बनता है, और वो भी खट्टी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए तो मज़ा ही अलग है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसे हम जूस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब ये मेरे पास है आइसक्रीम बनाने वाला मोल्ड, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो हम स्टील के गिलासों में भी आइसक्रीम जमा सकते हैं, या फिर ये कॉफ़ी कप आते हैं ना उनमें भी बना सकते हैं। एक साइड वालों में मैं थोड़ी थोड़ी टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, इसे अगर खाना पसंद करें तो ही डालें। तो आपने देखा होगा कि हमने कितना कम सामान यूज किया है आम चुस्की आइसक्रीम बनाने के लिए। खट्टी मीठी नमकीन चुस्कीदार आइसक्रीम का मज़ा ही अलग है खाने का, और गर्मियों का सीजन है तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं कि आपकी आइसक्रीम कैसी बनी है। सभी को कवर कर देते हैं और 7 से 8 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं, और उसके बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये है हमारी आम चुस्की आइसक्रीम बनकर तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।